भी ऐसा कार्य ना करिए जिससे कि व्यवधान उत्पन्न हो प्रोग्राम के बीच में। जी बिल्कुल, एक बार पवन सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इधर वालों को भी दिख रहा होगा, जो बाहर दिख रहा है आप लोगों को भैया, क्या बात है। इधर वाले ठीक ठीक, तो गुंजन जी क्या बुलाए? मैं तो रेडी हूँ और वो भी रेडी हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबकी फोन की फ्लैश लाइट्स ऑन हो जाए, एक बार सभी लोग ऑन कर लीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि आसमान के सितारे आज यहाँ सिद्धार्थ नगर महोत्सव में आ चुके हैं सब, तो सभी की फ्लैश लाइट्स ऑन हो जाए। ग्रैंड वेलकम हम करेंगे पवन जी का। फिर से मैं पीछे वाले सभी लोग कि आज सिद्धार्थ नगर महोत्सव का समापन है, आज की रात आपके नाम होने वाली है। पवन सिंह भी बेताब हैं, आप लोग भी बेताब हैं उनसे मिलने के लिए। इस पूरे महोत्सव को संपन्न कराने में, सफल कराने में श्रेय जाता है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का, साथ ही साथ सीडीओ सर जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, पुलिस प्रशासन की तरफ से कप्तान साहब ने जो भी जिम्मेदारियां सौंपी, पुलिस व्यवस्था बड़ी मुस्तैद और टाइट रही। एक बार जोरदार तालियां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए बजा दिए, तब मैं बुलाऊंगा। अरे बजाइए तो, आप लोग लगता है पवन जी को सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता ये जो पवन जी आए हैं अभी ने और टाइम, इनका श्रेय किसको जाता है, उनके लिए भी ताली नहीं बजाएंगे। अब बजाइए एक बार। बहुत साथ ही साथ मीडिया बंधु का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे और जो अधिकारी इस महोत्सव से जुड़े रहे उन सबका धन्यवाद, सीटीओ साहब का भी धन्यवाद, डीडीओ साहब का भी धन्यवाद, एसडीएम नौगढ़ उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे प्रशासन जिन्होंने मेहनत करी, साथ ही साथ माननीय सांसद जी, मैं उनको स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। उनका आना हमारे लिए जैसे लगता आशीर्वाद, मैं तो उनका बच्चा हूँ और वो आ गए, अब ये कार्यक्रम को हम शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे माननीय विधायक लोग बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। तो सर मैं ज्यादा चाहता हूँ, क्या मैं पवन जी को लेके आ जाऊँ सर?
और सर आप यहाँ पे आए हैं तो इनकी तरफ से मैं बताना चाहूंगी कि आपके आने से महक उठी है ये महफिल, आपके आने से महक उठी है ये महफिल, अब तक थी कवारी अब आपकी हो चुकी है महफिल। जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर द वन एंड ओनली सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी सिनेमा पवन सिंह। इसमें डीले बढ़ाइए, डीले डीले डीले। हेलो हेलो हेलो, ये रतन भैया बैंजो बजाइए तो जैसे बैंजो का इफेक्ट आ रहा है उस टाइप का चाहिए, लेटेंसी वाला। हेलो हेलो चिक चिक चिक, हेलो हेलो चिक थोड़ा सा, हेलो हेलो चिक 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 चिक, हेलो थोड़ा सा डीले बढ़ेगा, डीले डीले रिवर्ब मत बढ़ाइए भैया, रिवर्ब नहीं। हेलो हेलो चिक चिक चिक, हेलो हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक, तो सब बेस बढ़ा दीजिएगा वोकल में। हेलो चिक चिक लीजिए, हेलो 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 चिक चिक, आइए एक बार पूरे सदन से आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर एक तालियों का महोत्सव खड़ा कर दीजिए। अब यह मंच माइक और आप तीनों को मैं पवन जी के हवाले कर रहा हूं, अब यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक चीज अनुरोध करूंगा कि जो जहां है वहीं व्यवस्थित ढंग से बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे, क्योंकि आज का समापन समारोह अगर ऐतिहासिक हो जाए तो यह कार्यक्रम अपने आप। हे रूप मरते, आजकल सेल्फी के जमाना आ गया हो भैया, तनी हाथ उठा ना जाए तो सेल्फी हो जाए हो। हेलो, थोड़ा साउंड वाले भाई साहब थोड़ा डीले और लंबा करो। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा डीले को लंबा करिए प्लीज, कहां बैठे हैं आप, थोड़ा डीले को लंबा करिए। हेलो हेलो, रिवर्ब मत दीजिए, डीले दीजिए। हेलो 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 हेलो, सबसे पहले इतना पावन बुद्ध के धरती पर हमके आवे के मौका मिलल, सिद्धार्थ नगर महोत्सव में हमके आवे के मौका मिलल, मेरा जीवन धन्य हो गया। मंच पे जे भी बा हमर भाई सबके प्रणाम, मंच के सामने हमारे सांसद जी बैठे हैं जगदम्बिका पाल जी, आपको मेरा इसी मंच के जरिए बैठ चुके प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद दीजिए। हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब, माननीय विधायक जी, सबको मेरा प्रणाम।
हम यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत खुश बानी। इतना बढ़िया सिस्टम में यहाँ कार्यक्रम हो रहा बा, इतना तरीके से ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम और दिल से धन्यवाद। और हमारे कप्तान साहब बैठे हैं, आपको मेरा दिल से प्रणाम सर, आशीर्वाद दीजिए। और एक एक एक्टर और एक सिंगर जिसके दम पे इतना बोलता है और हंसता है, वो हमारे भगवान रूपी ऑडियंस सामने बैठे हैं, खड़े हैं। इस मंच के जरिए पवन सिंह आप सभी को पैर छू के प्रणाम करता है, आप एक ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। क्या बात है, जय। और मीडिया से हमारे जितने भी भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। और आप सबके चैनल के जरिए जे भी पवन के देख रहा बा, भैया चाचा माता बहन, आप लोग अपने घर में से ही टीवी के जरिए हम क्या आशीर्वाद दी जा, और आप सबके हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। हेलो हेलो, उधर तो ठीक है ना भैया, थोड़ा सा मंच पे बैकग्राउंड जो है ना, इसको थोड़ा लेवल थोड़ा ये करिए, साउंड को थोड़ा मीठा करिए। हेलो लेवल लेवल थोड़ा लेवल बढ़ाइए, थोड़ा लेवल बहुत कम है, थोड़ा लेवल बढ़ाइए, मंच पर बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, थोड़ा डिले बढ़ा दीजिए और दो पॉइंट। हेलो 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 हेलो, चलिए और हमारे शिवा भाई, हमारे शिवा भाई, आप इतना बढ़िया, देखिए क्या है ना, कलाकार एक बच्चा होता है, जब तक आप उसको सजाएंगे नहीं तब तक वो निखरेगा। आप जो प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मेरा मेरा लाडला, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, मेरा सेज, मेरा भाई दीपक, आई लव यू, थैंक यू। स्वर के दाता विद्यादायिनी माई सरस्वती है, सबसे पहले माई की वंदना। माँ तो माँ होती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे काली माँ हो, चाहे वो माँ जिस माँ के पेट से हम लोग पैदा हुए, माई खातिर का भाव है। सरदा भवानी राखा सभा बीच पानी, दोनों हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो मैया, अब धिया के हीन बनी, दुखिया में दीन बनी, ना पूरा पढ़नी पढ़ैया है मैया। भक्त के भाव बा, क्या भाव है, आप सब सुनने वाली जा, एक बार तारी हथवा उठावा जाओ चारों तरफ से, तब न पोनो भजन गई तारे, हाथ उठा के ताली बजाओ जा। माई डोली चढ़ी चाली सेवक घरवा, माई
गाड़ी चलाली सेवक धरवा वही डोलिया के बघबक हर दुनिया में सोर भइल बा वही डोलिया के बघबक हर दुनिया में सोर भइल बा माई डोली चढ़ी चलाली सेवक धरवा माई डोली चढ़ी चलाली सेवक धरवा चाल रुनो की झुनकी के चलेला बघावा चाल रुनो की झुनकी के चलेला बघावा संगे संगे भैरो भैया रखबार दुनिया में सोर भैलवा संगे संगे भैरो भैया रखबार दुनिया में सोर भैलवा माई डोली चढ़ी चलाली सेवक गरबा माई डोली चढ़ी चलाली अरे सेवक गरबा हो क्या बात है जी आप सभी को मेरा प्रणाम मैंने अभी देखा आप सभी को जय हो के बच्चे का भाव देखिए चेरज में पड़ल बाड़े देखी सब देवता पवन भक्त माई के बता चेरज में पड़ल बाड़े देखी सब देवता पवन भक्त माई के चेरज में पड़ल बाणे देखी सब देवता कौन भक्त माई के पेठा वाले होने बता पेठा वाले होने बता सज धज के चलली माई बेटा धरवा सज धज के चलली माई बेटा धरवा केहू करता कहीं पे इंतजार दुनिया में सोर भइल बा केहू करता कहीं पे इंतजार दुनिया में सोर भइल बा माई डोली चढ़ी चलाली माई डोली चढ़ी चलाली सेवक धरवा माई डोली चढ़ी चलाली सेवक धरवा हेलो थोड़ा सा एक बार माता के नाम पर एक बार आप लोग ताली बजा दिए पूरे सदन से बजाइए ना माँ के नाम पर ताली बजाने में क्या शर्माना है यार कि लोग आते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह लोग आते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह कौन रुकता है बरसता है घटाओं की तरह अरे बड़े लोग कुछ भी देते हैं मुनादी करके कौन देता है मां की दुआओं की तरह आइए
इतनी तादाद में बहुत अच्छा साउंड है आपका, बस खाली मंच का आप ये कर दीजिए ताकि हम गाएं तो पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ा और डिले बढ़ा दीजिए, गूंजे ना जो बोलूं वो फैले। हेलो, अब हॉर्न मत मारा। मंच पर आवे से पहले साहब लोग से हमारा बात हुआ तो सब साहब लोग ये बोले कि पवन जी थोड़ा बचा के। मैंने बोला सर ये तो सौभाग्य की बात है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कान में कि भाई साहब थोड़ा बचा के, ना तो आजकल ब्रेकरों नहीं खसा देखा। चल बेटा आवे दे जाए थे, अच्छी बात है। बस एक छो और भजन बा, इसके बाद जो हमारे हमारा इतना बड़ा परिवार यहां पे आया हुआ है, जो आप लोगों का आदेश होगा वही भजन होगा। ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली स्वाहा स्वाहा नमस्ते। क्या भाव है भैया, हर गंगा जी नहाई बोए मैया, जला वाले आइबो गंगा जी नहाई बोए मैया, हर जला वाले आइबो अंगना लिपाई बोए मैया, अंगना लिपाई बोए मैया, काला साधा दई क्या बात है जी। भैया तो हके भैया
कभी का भाव है, यही ये है। क्या भाव है? अरे यही रूप लई बो ये है मैया दूधवा महा रू बोलाई बो ये मैया दूधवा महा हर खीरवा बनाइबो ए मैया हर खीरवा बनाइबो ए मैया उगावा लागइबो खीरवा बनाइबो ए मैया उगावा लागइबो खीरवा बनाइबो ए मैया उगावा लागइबो गंगा जी न होई गंगा जी न होई बोये मैया जाला वाले आईबो अंगनाली पाई बोये मैया काला साधा रहीबो एक बार बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार के जियो। ये धरती पर कितना ताकत बा, कितना जोश बा, कितना उमंग बा। जियो मेरे भाई, जियो शेर, लव यू, जियो। बेग था तब विष्णु रह जा भैया रह जा धैर्य रखिए होगा सब होगा आए फूफा बोला कुछ उचारा इधर सीटू जी चले आ गए हैं सीटू जी कुछ बोल थोड़ा थोड़ा सा एक बार आप लोग रुक जा तेरी टाइम ना खत्म ना होई क्या भैया गादी रे मर्दे देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित पुलिस के जवान खड़े हुए हैं मैं आप लोगों को जय हिंद बोलता हूँ सैल्यूट करता हूँ हमारे बिहार के अपराधी उत्तर प्रदेश के पुलिस से बहुत डरते हैं कहते हैं कहीं पकड़े जाए उत्तर प्रदेश में नहीं पकड़े जाए इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार इन लोगों के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दिए बड़ा माफ करिएगा मैंने आपसे माइक ले लिया पवन भाई गुस्ताखी है मेरी अब मैं क्योंकि पवन भाई आए हैं सिद्धार्थनगर की धरती पे माननीय सांसद डुमरियागंज सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर मंच पे आ जाएं और पवन सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें अगर सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं माननीय सांसद सर आप मंच पे आके स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें पवन जी को साथ ही साथ साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय विधायक शौरतगढ़ श्री विनय वर्मा जी माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम धनी राही जी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर से भी निवेदन है कि वो भी कृपया मंच पर आ जाएं और पवन सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर हम उनका सम्मानित कर रहे हैं उन्हें सम्मान दे रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं भगवान बुद्ध की इस पूज्य धरती पर एक बार जोरदार तालियां सारे
जितने लोग आवाज मेरी सुन पा रहे हैं एक बार जोरदार तालियां इस क्षण के लिए। मैं ऊपर नहीं आता लेकिन पवन सिंह को दुनिया में बहुत सम्मान मिला। तमाम जहां भी कार्यक्रमों में जाते होंगे शायद इस तरह का सम्मान जो सिद्धार्थ नगर में दूर दूर तक आप नजरें डालिए तो शायद इतना बड़ा मैदान कहीं नहीं और उसके बाद कहीं जगह नहीं, पूरे सड़क किसी तरह से सैलाब है। तो जिंदगी में जो सिद्धार्थ नगर ने आज इनको सम्मान दिया है शायद इससे पहले इतना बड़ा सम्मान पवन सिंह को शायद कहीं नहीं मिला होगा। और ये गौतम बुद्ध की धरती का सम्मान है, बड़े बड़े सम्मान थे। आज आपको सम्मानित करने हमारे विधायक श्याम धनी जी, हमारे विधायक विनय वर्मा जी, जिलाधिकारी महोदय नहीं आए, पुलिस अधीक्षक, CDO, जिनकी मेहनत से आज ये कामयाबी के इस अंजाम तक पहुँचे हैं। आज ये आपको बुद्ध का सम्मान मिल रहा है, बुद्ध का सम्मान। तो एक बार गौतम बुद्ध की धरती पे भोजपुरी जो हम संविधान की 8वीं अनुसूची में ले जाना चाहते हैं कि हम उनके घर के लड़के भोजपुरी में लिख के IAS IPS बने कलेक्टर और कप्तान साहब के तरह, रहुआ के तैयार बाणी ना तो राउर के तैयार बाणी तो हाथ उठाई जाए ना, तो हाथ उठा के बार जोरदार थपरी बजावल जाए ना, जोरदार थपरी बजाय चाहिए, जोरदार थपरी बजाय चाहिए। अब हम सब लोग विधायक सब सारे लोग सम्मानित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली माननीय सांसद जी के लिए, जोश खरोश आशीर्वाद उनका मिलता है तो बहुत बहुत आनंदित हो जाता हूं मैं तो। पूरे महोत्सव को संपन्न कराने में सफलतापूर्वक जिसका श्रेय जाता है वो जिला प्रशासन को है। एक बार जोरदार तालियां जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब को, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन कप्तान साहब को जिन्होंने बहुत ही मुस्तैद व्यवस्था रखी। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा माननीयों से कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, ग्रहण करें। अब मुझे प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, सभी मान्यगढ़ से, कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मिला लो, जल्दी मिला। साउंड वाले भाई साहब, बहुत अच्छा साउंड है आपका, थैंक यू। क्या मिलाया आपने? रुका दो मिनट, रुका हो भैया, रुक जा रुक जा, ठंडा का दिन है ना, हो दो मिनट के ब्रेक। अब तो गर्मी आ गई क्या रही? हाँ आ गई। क्या बात, क्या करिएगा, जो था वो आज नहीं है।
नमस्ते नमस्ते जो था वो आज नहीं है, समय बदल गया है। सही बात है। हाय खुश रहा खुश रहा। भाव निमित्त के लिए यार मेरे अपोजिट तुम मंच पे काम करते हो, पैर मत छुआ करो, गले मिला करो, गले गले से लगो। सेम टू यू। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्ही आना। बहुत आई मगर इस बार तुम्ही आना। आवे को हो तो यह ना आवे को तो मत आई यार। जो भाग भाव है, कलाकार है, आदमी डूब जाता है। डूबाई कैसे? डूब के उतरा हूं के बता करिएगा। जब डूबी हुए ना उतराई उतने उतने देर डूबा के सांस ना फूले, सांस फूले के बाहर ही बाहर निकल जा। हमरा गीत के रवानी हऊ, हमरा गीत के रवानी हऊ, यह किताब के कहानी हऊ। हम तो दुनिया से साफ साफ कहिए दे बानी कि तू ही हमर जवानी हो। हेलो हेलो, डोंट टच मी बॉडी। अगर टच करो भी बचा के, हेलो मेंटेन करके बचा के, बचा के। अच्छा लगे की चाहिए, रस रहे की चाहिए, सुखौता मत पार। एको मेहरारू अपना मरद कहतिया कि हम देखी ले रोजे इहे गौर से राउर चौकर चलता के हुआर से। पवनवा के गाना के सुनने वाली हाथ उठा के बताओ जा। क्या बात है जियो मेरे शेर मेरे भाई, लव यू यार। ये देखो इसको बोलते हैं संगीत का नशा। हम देखी ले रोजे इहे गौर से राउर चौकर चलाता के हुआर से। रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। सही है सही है, का हो सही बात? बिल्कुल सही बात। सही बात कि ना? सही बात। आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। Bye.
पत्नी और क्या बोलती हैं, थोड़ा भरोसा रखिए, ठीक है। डेली रहुरिया ना जाना लागल रहता, डेली रहुरिया ना जाना लागल रहता, दिल पधार दिल पर हाथ धोके देखा ही का कहता, दिल पर हाथ धोके देखा ही का कहता, दिल पर हाथ देखा ही का कहता, दिली रहूँगा ना जाना लागल रहता, दिल पर हाथ धोके देखा ही का कहता, सब मुझे है खबर, कहते रात भर सब मुझे है खबर, कौन है जो ये जादू चला रही है, कहते रात भर सब मुझे है खबर, कौन है जो ये जादू चला रही है, अरे अरे अरे, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान मेरी, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी मालूम नहीं है, और का कह दिया, सोचता नहीं जेतना नदान नईखी हो, सोचता नहीं जेतना नदान नईखी हो, धोखा नईखी करत जानू मामी कसम, धोखा नहीं करत जानू मामी कसम, कैसे करे विश्वास, कैसे करे विश्वास रोशन हो बदमाश, कैसे करे विश्वास रोशन हो बदमाश, पवन जिसका था डर हमको बात वही है, पवन जिसका था डर हमको बात वही है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम 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 नहीं है। क्या बात है जियो, अरे पगला कुर्सी डांस मत करो सरे, पिछवा खाली धूल उड़ाता, अब तक कुर्सी उड़ाओ तेरे से, आराम से बाबू आराम से।
चलिए थोड़ी सी आप लोग मंच के सामने हमारे जितने भोजपुरिया परिवार गरज रहे हैं, जोश में है, उमंग में है, तनी एक बार हमारे ऑडियंस के ऊपर लाइट जला दिया जाए। हो भैया एक बार तनी लाइट जला दा जाओ, हर जितना लाइट होके। वाह वाह, रुक रे पगला, रुक जो रुक जो, ये जवानी है आज मचल गई है आपको देख के। अरे भाई लव यू यार, जाने दो उतना मोबाइल मत घुमाओ बेटा। हर कली गुलाब नहीं होती, हर कली गुलाब नहीं होती, हर कली गुलाब नहीं होती, जो प्यालों में छलकती है वो शराब नहीं होती, झूठी उम्मीद पर ताज महल बनाने वाले हर महबूबा मुमताज नहीं होती। धान अरे मुमताज, अरे मुमताज जियो। सही बताओ लॉलीपॉप अगर हम वही गा दे तो फिर बाद में कहा गाई मेरे पगला, रुको 10 मिनट रुको। ढोलक का दाहिना बढ़ा दीजिए, ढोलक का दाहिना और तबला का टाकी। प्रशासनिक व्यवस्था भाई यहाँ, हाँ भाई आप लोग प्रशासन के साथ में खड़े हो, आप ही लोग अपना मर्यादा खोएंगे तो फिर सामने का हो तब तूफान आ जाए। शांति बनाओ सर, पगला शांति बनाओ सर, ठंडा का दिन में तूफान नहीं खेले। एगो लड़का एगो लड़की से प्यार कर रहा था, हमारे को फिल्म आई रहे जो ना फिल्म के नाम मैंने उनको सजन चुन लिया, मैंने उनको सजन चुन लिया। लेकिन भैया अपने हीरोइन के पवनवा कितना बड़ाई कर रहा था, आधा के उठ लाली लगवालू अब बलिया के बाली नवादा के नथुनी, आधा के उठ लाली लगवालू अब बलिया के बाली नवादा के नथुनी, कौन जिला के जिले भी हूँ के उठ लाली लवलू बलिया के बाली नवादा के नथुनी, आरा के उठ लाली लगवलू बलिया के बाली नवादा के नथुनी। देखा हमार पीछे सबसे पीछे हमार भाई है, वो कुर्ता लेके उड़ावता जियो। वो कुर्ता डांस कर रहा है, यही तो प्यार है। हे महाराज रुक जा ना, तबे से चिल्लाता नहीं, रुक जा जियो। मुझे लगा गाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा संभाल के। कहां से बोल रहे हो भैया? सामने से थोड़ा बाबू। अब बताओ आराम से, आराम से भैया। सर
ब्रदर आप लोग को जहां खड़ा रहना है खड़ा रहिए, डांस करना है डांस करिए, बट एक दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। और जोना से भाई तोहर गावता वही आवाज आप लोगों के पास नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा, तो उसको क्यों गिराना? अगर गिर गया हो तो आप लोग उठा दीजिए 10 भाई मिलके, प्लीज बाबू उठा दीजिए, उठा दीजिए। वो गिर गिर बतो करके उठा दो प्यार से लहे लहे। तकोना जिला के जिले भी हम पटना के पानी जवानी पझल के मलमलिया के हो तू पटा मना मान के पटना के पानी जवानी पझल के मलमलिया के हो तू पटा मना मान के बक्सर के बिंदिया सलू हर बक्सर के बिंदिया सटलू आ चंपारण के चश्मा होला गेलू सुगनी बक्सर के बिंदिया सटलू आ चंपारण के चश्मा होला गेलू सुगनी तकौना जिला के जिलेबी हो अगले बगल मानी जाए सोनपुर ता सोनपुर ता लागेला सुघराई गाल गुल गुल गोरखपुर के हगोराई सोनपुर ताला के लासु खराई गाल गुल